रिकवरी अभी उस तरीके से नहीं हुई, गिरफ्तारियां होती हैं, फिर जमानतें हो जाती हैं। तो इस्लाहात की जब बात की जाती है तो इस्लाहात पर जोर होता क्यों नहीं है हुकूमत का? देखें, जो मैं पहले बात कर रही थी सुमैया, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि रियासत इनके इस बयानियों को पहचान चुकी है, हम इसमें इनको नाकाम करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस सारी एपिसोड में हो रही है वो ये कि ये इनके जो भी इनसाइड स्टोरी थी वो एक्सपोज हो रही है और कर खुद रहे हैं इनके ऊपर। अच्छा। ये कोई नहीं कह सकता कि इनके ऊपर ब्लेमिंग हो रही है। जो कुछ इनकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, ये जो कुक कर रही थी जब ट्विटर अकाउंट खामोश था, तो ये बीबी जो प्लानिंग कर रही थी हमारे गैर मुल्की दुश्मनों के साथ मिलकर, वो इनकी खुल के सामने आ गई, बिकॉज ये एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अब अगली चीज़ जो आपने मुझसे पूछा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रजिस्ट्रेशन की बात है, देखें इनका जो ये बयानियां है, जो एंटी स्टेट बयानियां है, जिस तरह से खुल के ये वार कर रहे हैं अपने रियासती इदारों पे और रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं उनके डायरेक्ट नाम लेकर के, और फिर जो इनका एक हाइब्रिड वॉर का ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है जो उसका हिस्सा बने हुए हैं। देखें इनकी एक स्टेटमेंट आती है और उधर सेलिब्रेशन अगर इंडिया में होती है, मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की कि बॉलीवुड स्टार से ज़्यादा अगर कवरेज मिले नवाज शरीफ को, मरियम को, रियाज सादिक को, तो इस बात का क्या मतलब है? अगर आप उनकी हेडलाइंस देखो, उन्होंने उस दिन के उनकी स्टेटमेंट्स निकाले एयर चीफ की और आज की निकाले, तो वो इन्होंने उनकी शिकस्त को फतह में बदला और अपनी फतह को शिकस्त में बदला। अगली बात, इनके इसी झंडे के साथ जो लॉयल मुस्लिम लीगी हैं वो नहीं जाना चाहते। सही। ये जब मरियम ने मुस्लिम लीग नून को अपने नाम पर रजिस्टर कराने की बात की, तो एक तबका वो जो प्रो स्टेट है, प्रो पाकिस्तानी है, वो अब ये एक्टिव हुए हैं कि एक इस तरह की मुस्लिम लीग चलेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा ना मुसर्रत साहिबा, बेहतर ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून कर रही है इसको छोड़ के, अगर हुकूमत ये देखे कि वो आवाम के लिए इकदामात क्या कर रही है, तो उससे फायदा आपको होगा आगे आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फायदा होगा। आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने उसका आंसर किया। देखें आपने ये मुझसे, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में पूछा है, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम बिल्कुल सही आपका पॉइंट, आपका मौके पाया, सही है, बिल्कुल आपका मौके पाया जी। दूसरी चीज, ये आज का मरियम का जो विजिट था ये उसी पेराए में था, बिकॉज इनके खानदान में फूट पड़ चुकी है, घर में आना जाना बंद हो चुका हुआ है। ये चीज मैं पूछ लेती हूँ ना, राणा अरशद साहब को भी सामने गुफ्तगू करते हैं, ये मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, जो आप कह रही हैं कि फूट पड़ चुकी है, वो तो कहती हैं ऐसा कोई सीन है ही नहीं। राणा अरशद साहब, क्यों इस तरह के बयान होते हैं मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून की साख को जो नुकसान पहुंचाए, जो ऐसे बयान हो, जो ऐसा बयानिया हो जो आवाम में मकबूल भी ना हो, क्या कोई बातचीत हुई अयाज सादिक साहब से, पूछा गया है कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समीर रिजवान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं समझ बैठा था कि शायद मैं ये प्रोग्राम देखने के लिए ही हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन चलो 5:21 पर मुझे भी ये आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कम अज़ कम इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को वो बात करनी चाहिए जिसका हकीकत से कुछ तल्लक हो। नंबर वन तो मैं अर्ज़ करूँगा, आपने अयाज सादिक की बात की, अयाज सादिक ने 2002 में लाहौर से इमरान खान न्याजी साहब को लीड से MLA की सीट से शिकस्त दी थी, फिर 2008 में भी दी। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं जी, उनके अल्फाज अगर आप उस दिन कौमी असम्बली की कार्रवाई देखें, हाँ। और आपके रिपोर्टर्स, आपके टीवी चैनल ने उस दिन भी बिल्कुल रिपोर्टिंग की थी, जो मराज सही साहब ने खुतबा दिया और जो हकूमती वुजरा, जो कैबिनेट मेंबर हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जिस जज्बात के साथ वहाँ पर मसल्लत कर रहे थे, वहाँ पर ज़ाती तौर पर अयाज सादिक ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब जो उनकी बात थी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन राणा साहब, और आज भी हम कहते हैं, लेकिन राणा साहब जो उसका नतीजा निकला, ये गवर्नमेंट का जो फेलियर है सुमैया साहिबा, देखें जो उसका नतीजा निकला और जिस तरीके दुश्मन ने उसको लिया और जिस तरीके से वहां पर उस चीज को पेटेंट किया गया, माथे का झूमर, नुकसान नहीं हुआ, चीजों का नुकसान नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुई चीज। समिया मैं ये अर्ज करूंगा, वहां पर एक जैसे वजीर आजम की कुर्सी पर किसी को मसल्लत किया गया है, उसी तरह स्पीकर की कुर्सी पर भी वहां पर कोई शख्स मौजूद थे या हैं या रहते हैं जिसको स्पीकर हम कहते हैं, जो स्पीकर साहब कार्रवाई के जो कस्टोडियन होते हैं,
अगर अय्याज सादिक साहब ने कोई गलत बात की थी तो फौरी तौर पर उसको कार्रवाई से हज़्फ़ करवाना चाहिए था, और अगर नहीं करवाया गया तो ये बदनीति पर बिल्कुल मबनी है स्पीकर साहब की कार्रवाई भी और दो दिन के बाद इस हुकूमती नहल टोले की भी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि हमारे दौर में 5.8 ग्रोथ रेट था, आपके नहल टोले ने 2019 से 1.9 पर आए और आज 0.4 पे है। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमारे दौर में 35 रुपए किलो आटा था, आपने नहीं तो ये बताएं ना, अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी है, तो अगर हुकूमत की कारकर्दगी है तो आपके बयानात में आवाम की तकलीफ का जिक्र कम क्यों होता है? अगर मुस्लिम लीग नून को आवाम की इतनी ही तकलीफ है, इतना ही दर्द है, तो फिर आवाम के लिए करने क्या जा रहे हैं आप लोग? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।